हेलो बच्चों, मैं चंचल गुप्ता कैल्विन से आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि क्या क्या आपका क्वेश्चन इस साल 9th में आने वाला है सीबीएसई में। और हाँ, जिस जिस बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और आपको जल्द से जल्द इन जो हम लोग वीडियोस आपके लिए रेडी कर रहे हैं उनका फायदा उठाइए, ताकि आपका जो लेवल है, आपका जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हो सके और आप अपने क्लास में और अपने जीवन में आगे जाकर बेहतरीन स्कोर कर सके। ठीक है बेटा, तो देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या 9th के सिलेबस में आने वाला है, जो हम लोगों को इस साल सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से पढ़ते जाना है। मैं आपके लिए जल्द से जल्द इन सबकी वीडियो लेकर आऊंगी, सबसे इनके सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। आज हम ये देखने वाले कि क्या क्या सिलेबस का पोर्शन है बच्चे हमारा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं पहला क्या है। देखो, तो सबसे पहले यूनिट्स के नेम है जो आपके इस साल आने वाली है। एक यूनिट आ गया बेटा आपकी मैटर्स, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। सबसे पहले ये आने वाला है आपका, तो भाई मैटर, मैटर का नेचर और मैटर का बिहेवियर हम पढ़ेंगे, जिसकी वेटेज है बेटा 25 मार्क्स यहाँ पर। फिर हम पढ़ेंगे बेटा ऑर्गेनाइजेशन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी वेटेज है बेटा 22। अच्छा वैसे मैं बताता हूँ बेटा आपको, ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है। दिस इज योर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का चैप्टर है बेटा आपका ये। और ये वाला जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन द लिविंग वर्ल्ड, बेटा लिविंग अगर कभी भी आ जाए समझ आना है, साइंस की बायोलॉजी की ब्रांच का है ये चैप्टर है बेटा आपके, बायोलॉजी की ब्रांच का। ठीक है बेटा, ये आपके बायोलॉजी के ब्रांच का चैप्टर है यहाँ पर। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये वाला ये जो है बेटा आपकी, ये है फिर फिजिक्स के ब्रांच का चैप्टर, जिसकी वेटेज है बेटा 27 मार्क्स। कितनी बेटा? 27 मार्क्स की वेटेज है बेटा, ध्यान से करना है, अच्छे से करना है। फिर फूड, फूड प्रोडक्शन, इसमें हम लोग बेसिक चीजें कि भाई क्या क्या फूड प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या मेथड्स अपनाए जाते हैं, ये हम इसमें पढ़ने वाले। इट इज अगेन अ चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, ये दोबारा से बायोलॉजी का ही कंटेंट है हमारे पास ये। ठीक है बेटा, तो ये है देखो 6 मार्क्स टोटल मार्क्स आपको दिखा दिए यहाँ पर। टोटल बेटा आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है और 20 नंबर आपको मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट के, जिसमें आप लोगों के सारे यूनिट टेस्ट मार्क्स होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स के, आपके प्रैक्टिकल्स के, उन सब के हिसाब से बेटा आपको मिलेंगे 20 नंबर। ठीक है बेटा, अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, 20 नंबर मिलेंगे। और ग्रैंड टोटल अगर हम करते हैं तो बेटा हमारा ग्रैंड टोटल आता है 100 मार्क्स। तो यही है, इन सब यूनिट से हमें इस साल डील करते हुए चलना है और इनको अच्छे से क्लियरिफाई करना है, कि जितनी अच्छे से 9th होगी उतना ही अच्छा हमारा 10th के लिए बेस रेडी हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, देखते हैं आगे कि इन यूनिट्स में क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको दिखाया गया मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, कि मैटर के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो बेटा मैटर के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भी क्या होती है डेफिनेशन मैटर की, क्या होता है मैटर, मैटर कितने प्रकार का होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे भाई, क्या क्या चीज, जैसे कि सॉलिड की शेप कैसी होती है, फिक्स होती है, नहीं होती है, वॉल्यूम कैसा होता है, डेंसिटी कैसी होती है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बेटा, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, वही मतलब कि क्या कोई सॉलिड पार्टिकल जो है क्या वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, क्या लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, हम ये यहाँ पर चेंज ऑफ मैटर में बेटा पढ़ने वाले हैं ये चीज हम लोग। जैसे कि कोई हीटिंग करने से, मेल्टिंग करने से, फ्रीजिंग करने से, आप ये तो भाई सिंपल एग्जांपल है भाई, बर्फ को बाहर निकाल के रख दो, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, सॉलिड से क्या बनती है, लिक्विड बन जाती है, उस लिक्विड को दोबारा जमा दो, फ्रीज कर दो, क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो ये चेंजेस किस तरीके से होते हैं। एंड अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इवेपोरेशन भी क्या होता है, इवेपोरेशन, कूलिंग बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कैसे कूलिंग कॉज करता है, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा। मटका होता है हमारे पास, मिट्टी के मटके में पानी कैसे ठंडा हो जाता है, कैसे होता है, ये सारे पढ़ेंगे। कंडेंसेशन इसका मतलब क्या होता है, तो ये सारे प्रोसेस हमें पढ़ने हैं इसमें। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बेटा आपको देखने को मिलता होगा, वो प्रोसेस होता था जिसमें सॉलिड डायरेक्टली ना गैस में चेंज होगा, हम देखेंगे कि सॉलिड पार्टिकल डायरेक्टली गैस बदल जाएगा। इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे बेटा कपूर, कैम्फर पाउडर, ये होता है हमारे पास, आप इसको कुछ समय के लिए बाहर रख दो, गैस बन के उड़ जाता है। तो ये सब हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, दिस इज योर चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर टू है आपका, देखिए यहाँ पर, जिसमें हम करेंगे नेचर ऑफ मैटर की बात, कि भाई मैटर का नेचर कैसे है। हाँ, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है, हम उसका नेचर पढ़ेंगे। तीन तरह का नेचर होता है मैटर का, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, कैसा कैसा नेचर है। फिर मिक्सचर दो तरह के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्या है डिफरेंशिएशन, क्या क्या एग्जाम्पल है इनके, ये हम यहाँ पे देखने वाले बेटा। ठीक है, कोलॉइड, क्या क्या कोलॉइड्स होती है, किस चीज को कोलॉइड कहते हैं, क्या होता है सस्पेंशन, फिजिकल केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सक्लूडिंग सेपरेशन द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर के जो सेपरेटिंग मेथड्स है वो हमें नहीं यहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद थर्ड चैप्टर है आपका,
पार्टिकल्स नेचर एंड देयर बेसिक। भाई हमने ने पार्टिकल्स पढ़ लिए, पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है, इसमें हमारा चैप्टर है ये है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हमें एटम्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं कि भाई क्या होता है एटम, क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, किस चीज से, क्या आप कैसे बता सकते हो कि भाई ये चीज एटम है या मॉलिक्यूल है, प्रॉपर डेफिनेशन, मासेस। फिर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये लॉ हमें ये बताते हैं कि जब दो केमिकल्स आपस में मिलते हैं तो क्या क्या नियम फॉलो करने वाले हैं, ये सब हम बेटा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बहुत जल्द आपके लिए वीडियोज आएंगी। दोबारे जो बच्चे ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को। देखिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, सारे कॉमन कंपाउंड जो हमारे पास यूज होते हैं नमक चीनी, इन सबका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये पढ़ेंगे। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, जो एटम है उसका मास कैसे निकाला जाएगा, मास डिस्टेंस अभी आप वेट समझ सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाएगा, ये सब हमें इसमें डिटेल स्टडी करनी है। फिर चैप्टर नंबर 4 आएगा आपका, जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि भाई जो एटम हमने पढ़ा है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, भाई कौन कौन से साइंटिस्ट कैसा कैसा मॉडल लेकर आए हैं, हर साइंटिस्ट अपने हिसाब से बेटा मॉडल लेकर आएंगे यहाँ पर। जैसे कि एटम के अंदर हम देखेंगे कि एटम के अंदर भी 3 पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कैसे होते हैं, क्या चार्ज होगा, क्या मास होगा, ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। वैलेंसी क्या होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका इस्तेमाल टेंथ में भर भर के होता है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, क्या डिफरेंस है दोनों में, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आइसोटोप एंड आइसोबार, इनका यूज बहुत ज्यादा मेडिकल फील्ड में होता है, मेडिकल हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, थेरेपीज होती हैं डिजीज को रिलेटेड, बेटा वहां पे इनका यूज होता है। तो ये है हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन जो हमें इस साल पढ़ना है अच्छे से, ठीक है बेटा। मैटर के अंदर ये चीजें हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। देन उसके बाद देखिए, ये है ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, इट इज अ यूनिट ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की यूनिट है बेटा आपकी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना, देखिए यहाँ पर सेल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई सेल, हम सब लोग सेल से बने हुए हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। इसमें भी डेफिनेशन है, ये तो आपने बेटा 8th पढ़ा होगा, रॉबर्ट हुक ने ना पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, कैसे किया था, क्या करा था, ये सब पढ़ेंगे। सेल क्यों बेसिक यूनिट है, दो तरह के सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल क्या होते हैं, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत बार सीबीएसई में क्वेश्चन आता है। मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सेल की सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है यहाँ पर, ये सब हमें यहाँ पर पढ़ना है। सेल वॉल क्या होती है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल इंक्लूजन, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये सब हमें यहाँ पर पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये बेटा इसके सेल ऑर्गेनल्स है, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड नंबर, कि भाई सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स हैं। बेसिकली हम प्लांट से और एनिमल को कंपेयर करने वाले हैं बेटा इस चैप्टर में। ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5th, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है जो हमें अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है। देन उसके बाद हम लोग इसका कह सकते हैं सेकंड स्टेप, बायो में फर्स्ट स्टेप होता है सेल, सेकंड स्टेप होता है टिश्यू, टिश्यू पढ़ेंगे जो आपका अगेन चैप्टर नंबर 6 है आपका। टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू किसके बाद बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर आता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। कैसा फंक्शन है, कैसा स्ट्रक्चर है एनिमल्स के अंदर, कैसा है प्लांट, भाई प्लांट में कैसे टिश्यू है, एनिमल में कैसे टिश्यू है, टाइप ऑफ द टिश्यूज एनिमल्स में, चार तरह के टिश्यूज हम देखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्लांट के अंदर 2, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये 2 यूनिट है, बहुत ही वास्ट यूनिट, बहुत ही अच्छी यूनिट है और इंटरेस्टिंग यूनिट है जो हमें यहाँ पर अच्छे से डिटेल में स्टडी करनी है। बच्चे समझ में आई इतनी चीज, ये हमें इस साल पढ़नी है। बायोलॉजी के अंदर क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिक्स, ये चैप्टर्स करने से पहले मैं आपको डिटेल में स्टडी कराऊंगी इसके बारे में, ठीक है। आगे मोशन, फोर्स एंड वर्क, दिस इज द चैप्टर ऑफ फिजिक्स, यहाँ पे फिजिक्स की ब्रांच का चैप्टर है, ठीक है बेटा, फिजिक्स की ब्रांच का चैप्टर है आपका। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, चाहिए आपका चैप्टर नंबर 8 है बेटा मोशन, दिस इज अगेन अ बेसिक चैप्टर ऑफ फिजिक्स, बेसिक है और इंटरेस्टिंग भी, कैसे था थोड़ा बहुत आपका कंसेप्चुअल, आपको इसमें थोड़ी इमेजिनिंग इमेजिनेशन अच्छे से ध्यान में रखनी है अपने। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड, इनके बारे में थोड़ा बहुत आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं आप जानते इसके बारे में। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, हमें इस चैप्टर में मोशन की बात करनी है कि मोशन का मतलब क्या होता है। सिंपली बताऊं तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, अगर एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो हम कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, बंदा मोशन कर रहा है। तो मोशन बहुत तरीके के होते हैं, पर हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं मोस्टली स्ट्रेट लाइन मोशन, और एंड में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है बेटा। ये एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, ग्राफ्स पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी
और यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए भी। फिर हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे कि क्या होता है ये, इसके बारे में स्टडी करेंगे, वरना हमारा पूरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन मोशन पे ही है यहाँ पर, कि क्या होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, किस तरीके से होता है ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। फिर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का क्या लॉ है, फोर्स क्या होती है, मोशन क्या होता है, ये हमें पढ़ना है इसके अंदर। न्यूटन के लॉ, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन के तीन लॉ पढ़ने वाले बेटा हम इसमें। नाइन्थ चैप्टर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम इसमें क्लियर है फर्स्ट लॉ, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया ऑफ मास, मोमेंटम, फोर्स, सब हमें इसमें यहाँ पे स्टडी करना है। देन योर चैप्टर नंबर 10, दिस इज योर ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन वो फोर्स है जिस पे हर, क्या हम बचपन से ही पूछते हैं ना भाई, अर्थ गोल गोल होती है, घूमती रहती है, हम क्यों नहीं गिरते, क्योंकि अर्थ पे फोर्स होती है ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसी होती है, कौन कौन से लॉ फॉलो करती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, जो पूरे यूनिवर्स पे एप्लीकेबल है, क्या होती है ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ पे कैसी होती है, मून पे कैसी होती है, मास, वेट, फ्री फॉल क्या होता है, ये सब पढ़ना है। फिर ये इसी का ही पार्ट है फ्लोटेशन, ये क्या होता है, इसमें हम लोग थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आर्किमेड प्रिंसिपल और बायंसी पढ़नी है हमें यहाँ पर, ये आपका पिछले साल नहीं था पर इस साल ऐड हुआ है ये आपका पोर्शन। फिर इसके बाद और 11 चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, इजी चैप्टर, इसमें तीन पार्ट में पढ़ना है चैप्टर को, वर्क एनर्जी और पावर, तीन पार्ट को हम इसमें स्टडी करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होता है, कैसे होता है, क्या फॉलो करता है, ये पढ़ेंगे। फिर द चैप्टर इज साउंड, दो साल से कट चल रहा था बेटा, पर इस साल आएगा आपके लिए साउंड। साउंड क्या होती है, क्या होता है नेचर साउंड का, साउंड कौन से मीडियम में ट्रैवल करती है, ये सब, उसकी प्रोपोगेशन कैसी है, कैसे कैसे मीडियम है, साउंड की स्पीड क्या होती है, हमारी कितनी हियरिंग रेंज है, कितने कितने मेगाहर्ट्ज़ तक हम लोग सुन सकते हैं, कितना नहीं, ये सब हमें इसके अंदर यहाँ पढ़ना है। एको पढ़ना है, आप जाते हो किसी पहाड़ी इलाके पे जाओ या सुनसान इलाके पे जाओ, वहाँ पे आवाज चीखो तेजी से, तो वो आवाज रिपीट होती है, दोबारा सुनती है, दैट इज नोन एज एको। ये एको कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। आपकी इसके बाद यूनिट फूड प्रोडक्शन, ये भाई फूड प्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से हमारे इंडिया में फूड प्रोडक्शन होता है, क्या क्या मेथड्स हम अपनाते हैं, ये सब हमें इसे पढ़ना है। प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट्स को पालते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, सिलेक्शन करते हैं हम ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सके इनकी, उसमें हम लोग अलग अलग तरीके की वेरायटी के प्लांट को चूज करते हैं, एनिमल को चूज करते हैं, ताकि हमारे पास जो आने वाला जो नया जनरेशन है एनिमल प्लांट्स का, वो बेटर क्वालिटी का आए, बेटर तरीके का आए, ठीक है। देखते हैं इसमें यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर, भाई फर्टिलाइजर जो केमिकल्स होते हैं जो हम लोग प्लांट्स में डालते हैं, मैन्योर जो जो फार्मर जो है खुद ही फील्ड में प्रिपेयर कर लेता है, इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, पेस्ट, पेस्ट मतलब जो छोटे मोटे चूहे हुए घुस जाते हैं ना, उनसे कैसे कर सकते हैं, इंसेक्ट से, डिजीज से कैसे बता सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो आज बहुत ही कंसिडर की जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, क्यों जरूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये सब है आपका बेटा पूरा सिलेबस नाइन्थ क्लास का, जो इस साल हमें अच्छे से स्टडी करना है। और बाकी आपको दिखाया गया है आपका चैप्टर नंबर 14 जो है वो आपका लास्ट टर्म एंड एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये जैसे आपको रीड करना है चैप्टर को, ताकि आप इनकरेज हो सके और लिख सके पोर्टफोलियो के बाद, आपका पोर्टफोलियो होगा सिर्फ उसमें आपका ये चैप्टर आने वाला है, अदरवाइज चैप्टर 14 आपका एग्जाम में नहीं आने वाला। तो ये कुछ चैप्टर है बेटा जो आपको इस साल पढ़ने हैं, और हम जल्द से जल्द इसकी वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और पढ़ते रहिए।